नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का जो है तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम जो है राजद के प्रवक्ता हैं अरुण यादव, उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिरकार झारखंड के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को जो 7 सीटें मिली हैं उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं और उनकी मजबूती के लिए आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। झारखंड में विधानसभा चुनाव में आप लोगों को 7 सीटें मिली है, उन चीज़ों को किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के लिए और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के लिए सीट मायने नहीं रखता है। हम लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि हर हाल में चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना, देश तोरक पार्टी को सत्ता से अलग थलग करना, एक ही उद्देश्य है। आपको पता होगा कि झारखंड में हम पहले से ही महागठबंधन में हैं, वहाँ महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है। उस सरकार में हमारे पार्टी के एक विधायक हैं जो कि मंत्री भी हैं, तो हम लोग एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पुनः फिर वहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए के जो समर्थक दल हैं वो लोग तो तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है अगली बार झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। देखिए, झारखंड की महान जनता सारी चीज को समझती है और किस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नृत्य करने का काम किया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का बर्ताव करने का काम किया, एक सोची समझी साजिश के तहत एक आदिवासी के बेटा को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद करने का काम किया। जग जाहिर है जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का है, हर जगह वह चरित्र उनका उजागर हुआ है, लेकिन वहाँ की जनता गोलबंद है। चूँकि महागठबंधन हेमंत सोरेन जी हों या हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, जन मुद्दों की राजनीति करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का भावनात्मक मुद्दा, भावनात्मक नारा चलने वाला नहीं है। जनता को पसंद है जन सरोकार की राजनीति, और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी करते हैं, महागठबंधन करती है। इसलिए झारखंड की महान जनता ने पुनः मन बनाया है कि दोबारा फिर से भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार यादव, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज 24। फिलहाल के लिए धन्यवाद।